हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी। देखिए, आप पहले तो ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ गाइस, हमारे जितने भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सभी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी किन किन एलिमेंट्स या किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और कैसा बना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, मानव का शरीर या स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो उसकी जो संरचना होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन मानव शारीरिकी ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत किया गया था। मानव शरीर के जो कई तंत्र होता है, कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, मतलब हमारा शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है और जो तंत्र होता है वो कई अंगों से मिलकर बना होता है। और अंग जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है और जो ऊतक होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए गाइस, यहाँ पे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि हमारा शरीर किससे बना होता है। तो आप बता सकते हो कि तंत्रों से मिलकर बना होता है। तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। अंग किससे मिलकर बना होता है? ऊतक से मिलकर बना होता है। और ऊतक किससे मिलकर बना होता है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है गाइस, देखिए अगर ऊतक की डिफिनेशन आपसे कोई पूछे, ऊतक किसे कहते हैं, तो कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आपको इसमें कई क्वेश्चन मिले। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात हमारी आती है कि हमारा जो बॉडी है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। देखिए, अब हमारा जो मनुष्य का शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे शुद्ध होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो तत्व मिलकर बने होते हैं, 5 तत्व से जो मिलकर बने होते हैं वो शुद्ध ही होते होंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानना है। तो देखिए, धरती पर जितने भी तत्व शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं, ठीक है, वो तत्वों से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो सबसे शुद्ध तत्व वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं और उसकी नाभिकीय समान संख्या में प्रोटीन होते हैं। जानकारी के लिए बता दें आपको कि वैसे हमारे धरती पर 94 तत्व बहुत पहले से विद्यमान थे, लेकिन मानव शरीर लगभग 99% भाग मुख्यतः 6 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस, ठीक है, इन तत्वों से मिलकर हमारा बॉडी बना होता है। और इस तरीके से 0.85% भाग अन्य 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन तथा मैग्नीशियम। ठीक है, हमारा बॉडी जो होता है वो बना तो मेन 5 ही तत्वों से होता है, लेकिन फिर भी कुछ रियल केस में कई एलिमेंट से मिलकर हमारा बॉडी बना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में कम से कम एक, मतलब कि 1 दर्जन तत्व हैं और जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमारा तत्व जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बोरान, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज, टीन, वेनाडियम और जस्ता। इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में खुद बन के तैयार होते हैं। इसलिए माना जाता है कि मानव शरीर बहुत ही समझदार जीव है, जिसमें कि तत्वों के समावेश के कारण से उसमें सोचने, समझने और कई चीज़ों को परखने में मदद करती है। अगर इनमें से एक भी तत्व की कमी आ जाती है तो मानव शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए खान पान के खास तौर से हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी का। चलिए बात करते हैं कि शरीर का शारीरिक अंग, ठीक है, शरीर का शारीरिक अंग में ये बताया जाएगा आपको कि कितने बॉडी पार्ट हैं हमारे, लेकिन हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट के ही नाम दिखाएंगे, उनके बारे में ही बता दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा आई, ठीक है, सेकेंड नंबर नेल, थर्ड नंबर ब्लड, फोर्थ नंबर ब्रेन, 5 हार्ट, 6 स्कल, 7 किडनी, 8 लीवर, लंग्स 9,
मसल्स टर्न, ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत से पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट, बट मैं आपको 10 पार्ट के बारे में बताऊंगी। चलिए हमारा यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि किस तरीके क्वेश्चन हमारे एक एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आँख के बारे में। देखिए गाइस, आँख हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका आकार कभी भी बदलता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान की आँख का आकार एक समान रहता है और समय के साथ साथ इसके लेंस का तो आकार बदलता है, ठीक है, मोटा होता है या पतला होता है, बट हमारे कान और नाक मृत्यु पर्यंत बढ़ते रहते हैं। मतलब कि जैसे ही हम बढ़ते हैं वैसे ही हमारा कान नाक भी बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन हमारी आँख की आई मतलब कि आँख का आकार कभी भी नहीं बदलता। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं नाखून की, मतलब नेल की। देखिए महिलाओं में जो नाखून होता है वो पुरुषों के नाखून तेज गति बढ़ते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। और साथ ही नाखून के बढ़ने की गति गर्मियों में अधिक तेज बढ़ते हैं क्योंकि शरीर द्वारा धूप का इस्तेमाल करके विटामिन डी बनाने से बढ़ते तेज हो जाते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस कि हमारा नेल किस विटामिन के कारण बढ़ता है, तो विटामिन डी के कारण हमारा नेल तेजी से बढ़ता है। मतलब कि जब हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमारे मतलब कि बॉडी की जो नेल होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब बात करते हैं दिमाग मतलब कि माइंड के बारे में। देखिए माइंड में क्या है गाइस, देखिए माइंड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी पार्ट का तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये ना रहे तो जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते तो हमारी लाइफ तो एकदम मतलब कि एकदम रॉन्ग ही है, ठीक है, जिसमें हम सोच ही ना सके, समझ ही ना सके, वहाँ पे तो हमारी बॉडी एकदम रॉन्ग है। तो गाइस देखिए, मनुष्य में मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने में करीब 25 वर्ष लगते हैं, जबकि फेफड़ों को पूरी तरीके से विकसित होने में 18 से 22 वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जब आप जग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट की बिजली ऊर्जा छोड़ता है जो एक बिजली के बल्ब को भी जला सकता है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती है, इसलिए वह कोई भी दर्द को महसूस नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है और आप दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता रहता है और 18 साल तक पहुँचते 100% विकसित हो जाता है। तो मतलब कि गाइस हमारा 18 साल के बाद दिमाग उतना ही रहता है जितना कि हम बड़े मतलब बूढ़े होने में जितना दिमाग रहता है उतना ही 18 साल तक 100% हमारे पास सोचने की क्षमता हो जाती है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग केवल 50% ही सोचते हैं। अगर हम सोचने में आ जाए तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा कहना ये है कि ऐसा नहीं है, हम उस चीज़ को सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि ये कहा गया है कि 18 ईयर्स के बाद हमारा माइंड 100% सोचने की क्षमता रखता है, तो हम सोच सकते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि एक 5 साल का बच्चा हमसे ज़्यादा सोच सकता है, मतलब कि 5 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे से ज़्यादा सोचता है। क्यों? ये लोग कहते हैं कि उनके में दिमाग ज़्यादा है, वो खाते अच्छा है, ठीक है, उनका पाचन मतलब कि उनका पोषण बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, सभी में एक जैसे ही दिमाग होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है गाइस कि हमारे 18 ईयर्स में 100% सोचने की क्षमता आ जाती है, लेकिन बात ये होती है कि हम कितना सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम ट्रू सोचते हैं या फॉल्स सोचते हैं, यहाँ पे ये बात आती है। तो चलिए देखते हैं, एक चीज और हम ध्यान रखते हैं कि सर्जरी से हमारा आधा दिमाग को हटाया जा सकता है, लेकिन इससे हमारी यादों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है और मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग कहा गया है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बना क्या है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा मतलब अंग कौन सा है, या हम ये कह सकते हैं सॉरी कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन सा है, या हम किसे मालिक कहते हैं, तो आप कह सकते हो ब्रेन को। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि, मतलब कि इन सब चीज़ों को हम सोचते समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हृदय। देखिए हृदय क्या होता है,
आपको पता है कि हृदय के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारे शरीर में हृदय मतलब कि ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए देखा जाए अगर हमारे बॉडी में तो कुछ ऐसे पार्ट है जिनके बिना वाकई में हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर हमारे शरीर में पूरा अंग है और ब्रेन ही ना रहा तो क्या हमारा जीना या हमारा रहना सही है? नहीं। क्यों गाइस? क्योंकि जब हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो हमारे जीने से क्या मतलब होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि हमने अभी बात किया हृदय की, कहते हैं कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग हृदय होता है, लंग्स होता है। हम तो कहते हैं अगर हृदय होता है तो लंग्स भी होता है, क्योंकि अगर लंग्स आपके शरीर में नहीं रहेगा तो बिना आप सांस लिए क्या जीवित रह सकते हो? अगर आपके शरीर में हृदय नहीं रहेगा तो बिना आप सांस लिए, बिना आपका हृदय धड़क के आप जीवित रह सकते हो? अगर आपके दिमाग में मतलब आपके बॉडी में ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या आप सोच और समझ सकते हो? हम तो एक पुतले की तरह रह जाएंगे फिर। तो गाइस हमारे शरीर का सारा पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि अगर हम देखिए हाथ पैर तो एक नॉर्मल से चीज़ है, ठीक है, वो हमारी इंटरनल, ठीक है, मतलब कि बाहरी पार्ट है तो वो तो चलता है कि अगर हाथ नहीं रहा आपके पास तो आप कार्य कर सकते हो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिसके पास नहीं वो करते हैं। लेकिन गाइस जो हमारे अंदर के पार्ट हैं, ठीक है, उनके बिना हम किसी एक पार्ट के बिना सही से जीवित नहीं रह सकते। हमारा कार्य कोई भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो हमारे शरीर के लिए सारे बॉडी पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं हृदय की कि हृदय क्या होता है। हृदय या हिया या दिल एक पेशी है। हृदय को हम कई नामों से जानते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हृदय को कितने नामों से जानते हैं, हिया या दिल? दो नामों से हम जानते हैं। हृदय क्या है? हृदय एक पेशी है, मसल्स है, ठीक है, सॉरी मस्कुलर है, ठीक है। तो आपसे कई क्वेश्चन पूछ जाएंगे, हृदय क्या है? हृदय एक पेशी अंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ें देखिए, सभी कशेरुकी जीवों में हृदय पाया जाता है जो रक्त का प्रभाव सभी भागों तक पहुंचाता है। हृदय के चार कक्ष होते हैं जिसको आप बोलते हो दायालिन, दायानिलय, बायालिन, बायानिलय, ठीक है। कशेरुकों का हृदय हृदय पेशी से बना होता है जो एक अनैच्छिक पेशी होता है और दूसरा एक अनैच्छिक होता है और एक ऐच्छिक पेशी होता है, ठीक है। गाइस देखिए जो हमारा अनैच्छिक पेशी होता है वो ऊतक है, ठीक है, जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। और मानव शरीर एक मिनट में कितने बार धड़कता है? मानव शरीर का हृदय एक बार में 72 से 75 बार धड़कता है। गाइस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि मानव का शरीर एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो मानव का शरीर एक बार में 72 से 75 बार धड़कता है। लगभग 66 वर्ष एक जीवन काल में 2.7 बिलियन बार धड़कता है। मनुष्य का दिल एक मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है और एक दिन में 7600 लीटर 2000 गैलन तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। इसका भार लगभग देखिए महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है, ठीक है। तो गाइस इसका भार लगभग 240 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 340 ग्राम होता है। तो गाइस यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको हृदय के बारे में कुछ ओरली क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ। जैसे कि हृदय से ये पूछा जाता है कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं? चार कक्ष होते हैं, ठीक है। हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है, हाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपके इसी से रिलेटेड मतलब ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। ह्यूमन बॉडी से मतलब कि जितने बॉडी पार्ट्स मैंने पढ़ाए इस वीडियो में जो भी पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड अभी आपको एक वीडियो बनाकर जरूर दूंगी, ताकि आप जितने भी चीज़ें पूरा समझे हैं उन चीज़ों को क्वेश्चन के रूप में प्राप्त कर सकें। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्किल जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी। देखिए हमारे बॉडी का खोपड़ी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खोपड़ी कई जंतुओं के सिर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा होती है और इसमें 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बना कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए गुर्दा जिसे आप बोलते हो किडनी, ठीक है। देखिए किडनी क्या होता है चलिए जानते हैं। किडनी का जोड़ा एक मानव अंग है
जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन या रक्त शोधन का करना होता है। गुर्दे बहुत ही वर्बिवेट पशुओं में मिलते रहते हैं और ये मूत्र प्रणाली के अंग हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट क्षार अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। इनका मल स्वरूप मूत्र कहलाता है। इनमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं। गुर्दे युग्मित अंग होते हैं जो कई कार्य करते हैं। ये अनेक प्रकार के पशुओं में पाए जाते हैं जिनमें कशेरुकी व कुछ अकशेरुकी जीव शामिल होते हैं। ये हमारे मूल प्रणाली का एक आवश्यक भाग होता है जो इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण, अम्ल क्षार संतुलन व रक्तचाप नियंत्रण आदि जैसे समस्थिति होमोस्टैटिक कार्य भी करते हैं। ये शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करते हैं और अपशिष्ट को हटाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं जिससे मूत्रशा मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दा यूरिया और अमोनियम जैसे अपशिष्ट पदार्थ को भी उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, कुछ हमारा इस तरीके से किडनी बना होता है। तो गाइस देखिए, आपको मैंने सभी चीजों के बारे में कुछ डीपली तो नहीं लेकिन बेसिकली बता दिया, जिसको जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। गाइस देखिए, आपको मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे हृदय, ठीक है, हृदय है और लंग्स है, लीवर है, इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक चीज़ें बताऊंगी, उनका यूज़ बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो क्वेश्चन पे बनाऊंगी, ठीक है, बॉडी से ही रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन होगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बेसिक साइंस जीके।